हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मा ट्यूब चैनल वोची गगन शराब ब्लॉग्स राम राम नमस्कार सत सत्यकाल सही भैया ने सो आज की उड़ी में बात करने वाले हैं होंडा सी बी टू हंड्रेड एक्स के बारे में ये होंडा की साइड से आने वाली सबसे कम सी की एडवेंचरस बाइक है और इस बाइक को आप परचेस कर सकते हैं हालाँकि अभी इसकी लॉन्च डेट के बारे में कुछ नहीं पता है तो so, चलिए बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में इसके प्राइस के बारे में एंड इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में नाव लेट मी शो यू सो ये मेरा रूम है यहाँ पर मैं जो वीडियो वगैरह शूटिंग करता हूँ सो आई शो यू कि आज का वेदर कैसा है सो प्रॉपरली यू कैन सी इट्स रेनिंग हैवली आउटसाइड एंड यू कैन सी हाउ डज़ इट लुक एंड अगर मैं आपको दिखा दूँ सो so, मैं हमेशा इस रूम के जो साइड में यहाँ पर शूट करता हूँ और काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है हालांकि बारिश हो रही है काफ़ी दिन में आज बारिश हुई है सो तो ये काफ़ी अच्छी बात है और बस इन्जॉय कीजिए पकौड़े तो शकोड़े बनवाइए आप समोसे भी यूज़ कर सकते हैं सो चलिए बैक टू वर्क सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक में आने वाले इंजन के बारे में इसमें दिया गया है वन एट्टी का सेम इंजन जो कि आपको हॉर्नेट टू पॉइंटों में देखने को मिल जाता है इसकी जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है दैट इज सेवेंटीन बी और ये आती है एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर के ऊपर एंड जिसमें टोल दिया गया है दैट इज सिक्सटीन पॉइंट वन न्यूट्रोमीटर और ये आता है छः हजार आर के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी इसकी बॉडी स्पेसिफिकेशन के बारे में इसमें आपको फ्रंट में एक सौ दस के टायर देखने को मिलते हैं रियर में आपको वन फोर्टी सेवनटीन सेवनटीन इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको ट्वेल्व लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है और जो इसका ड्राई वेट है दैट इज़ वन फोटी सेवन के जी सो so ये काफ़ी अच्छा नंबर है और इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्ब्रेक देखने को मिल जाते हैं बट इस बाइक में आपको जो ए बी एस होगा वो ओनली फ्रंट साइड में ऑपरेशनल होगा इसमें डुअल चैनल एबीएस की फैसिलिटी नहीं आती इसमें फ्रंट में आपको 276 सेवेंटी सिक्स एम एम के डिस्ब्रेक देखने को मिलते हैं एंड रेयर में आपको 220 ट्वेंटी एम एम के डिस्ट ब्रेक देखने को मिलते हैं And फ्रंट में यू एस सेटअप दिया गया है मीन्स जो उसमें आगे के शौकार आते हैं दीज आर यू एस डी अप साइड डाउन्स एंड इसमें थ्री कलर्स आते हैं सिल्वर कलर एंड दिस इज़ ब्लैक कलर एंड एक आता है इसमें रेड सो so उसमें तीन कलर देखने को मिलते हैं सिल्वर ब्लैक एंड रेड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसमें आने वाली लाइट के बारे में इसमें आपको फुल्ली एल ई डी सेटअप देखने को मिलता है चाहे आपको फ्रंट में हो चाहे इसके ब्लिंकर्स हो या फिर इसके टेल आई हो सो so इसमें आपको सभी जो है आपको एल देखने को मिलते हैं और जो उसमें जो इंडिकेटर्स है जिसको ब्लिंकर्स बोलते हैं वो जो हैंडल बार है उसी के साथ अटैच कर दिए गए हैं वो आपको काफ़ी खूबसूरत देखने को लगेंगे और ये जो बाइक है इसको इन्होंने सेमी एडवेंचर सीरीज़ के लिए इन्होंने लॉन्च किया है हालांकि इसकी जो पावर है उतनी नहीं है बट अकॉर्डिंग टू 200 सीसी दैट इज़ गुड एंड अब बात करते हैं इस बाइक के माइलेज के बारे में जो कि होने वाला है अप्रोक्सीमेटली फोर्टी एट टू फिफ्टी टू किलोमीटर पर लीटर इसका मतलब इस बाइक में आपको जो रेंज मिलने वाली है वो मिलने वाली है लगभग छः सौ किलोमीटर आप एक बार टैंक फुल कराएंगे सो तो आपको जो रेंज मिलेगी वो मिलेगी अप्रोक्सीमेटली सिक्स हंड्रेड किलोमीटर बात करते हैं इस बाइक का फेवरेट पॉइंट दैट इज द प्राइस सेगमेंट सो इस बाइक का जो एक्शो है दैट इज़ वन पॉइंट फोर फोर लैख एक्शो सो so, ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे हिसाब से जो बाइक है लगभग जाएगी एक लाख साठ हज़ार रुपये ये स्टेट टू तो स्टेट वेरी कर सकता है बट जो नॉर्मली होने वाले एक लाख पचपन हज़ार एक लाख साठ हज़ार के आसपास इसकी जो प्राइस होने वाली है सो so, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा क्या आपको ये डेढ़ लाख रुपये के आसपास ये बाइक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लगती है नहीं और अगर आपको इसके अंदर कोई कमी लगी तो प्लीज़ मुझे जरूर कमेंट कमेंस्ट्रक्शन बताइएगा आई होप आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना Thank you for watching. Nice to see you Jain bande Keep loving and keep supporting.